अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद हिना वहाब। आपके साथ फिर से हाजिर है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे फेसबुक में भी हैं तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा। कुकिंग विद हिना वहाब के नाम से मेरे पेज को फॉलो करें ताकि आपको न्यू रेसिपीज़ मिलती रहें। तो यहाँ पर मैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तिक्के मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से हम लोग घर में जूसी किस्म के तिक्के बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त लिया है। बीफ को लेके उसको हमने तिक्के साइज़ में काट लेना है। आप चाहें तो इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप लोग बीफ नहीं खाते हैं, मटन के तिक्कों के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। इसको मैंने पहले वॉश करके थोड़ी देर के लिए मैंने सिरके वाले पानी में इसे डिप किया था ताकि इसका जितना भी ब्लड है ना वो निकल जाए। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सिरका लेंगे 4 खाने के चम्मच, 2 से 3 खाने के चम्मच दही और ऑयल जाएगा 2 से 3 खाने के चम्मच। ये तीनों चीज़ें आपने डालनी है। सिरके से ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। दही हमने लाजमी 2 चम्मच के करीब डाले हैं ताकि जो मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए, और ऑयल जो है वो भी लाजमी डालना है ताकि जब हम लोग इसे भूनें तो इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो जाए। और ऑयल डालने से ये होता है कि आपकी जो से मीट है वो बहुत अच्छे से जूसी सा बनता है। इसके अंदर आप स्पाइस चाहेंगे। ये यहाँ पे मैंने जो स्पाइस ली हैं बहुत सिंपल से स्पाइस हैं। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून लिया है। धनिया पाउडर है 1 खाने का चम्मच। नमक हसबे ज़रूरत 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है। गरम मसाला 1/2 टीस्पून और तिक्का मसाला मेरे पास भर के 2 टीस्पून है, या आप 1.5 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। अगर तिक्का मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं इसकी जगह, और रेड चिली पाउडर आप जो है मज़ीद उसको बढ़ा सकते हैं। बीच में फूड कलर लाजमी डालिएगा क्योंकि तिक्के मसाले के अंदर ऑलरेडी फूड कलर मौजूद होता है। मैं ऐड नहीं कर रही, आपने डालना ताकि हमारे तिक्कों में बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैंने सिरका, ऑयल और दही डाल दिया था, साथ में स्पाइस भी चले गए हैं। और अब इसमें जाएगी टमाटो केचप 2 खाने के चम्मच लाजमी डालना है। ये मेन इन्ग्रीडियंट है जिससे आप लोगों के तिक्कों में बहुत ही जूसी सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे जी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से मैरिनेशन इसकी हो जाए। इसको कम से कम आपने एक पूरे दिन के लिए रखना है, मैरिनेट करना है। अगर आप लोग बारबेक्यू करना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों ने कचरी पाउडर लाजमी ऐड करना है। मैंने तो इसे प्रेशर में पकाना है तो मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया, ये ऐसे ही कुक हो जाएगा। अब एक दिन की मैरिनेशन के बाद आप इसे 2-3 दिन भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। जितना ज़्यादा मैरिनेशन टाइम इसे मिलेगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो तिक्का बोटी है बहुत मज़े की बनेगी। तो मैं इसे प्रेशर के अंदर कुक करूँगी। आप चाहें तो पतीले के अंदर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा उसमें। यहाँ पे मैंने प्रेशर लगाया था तकरीबन 12 से 15 मिनट के बीच में हमारा जो सा बीफ टिक्का है ना वो गल जाता है, कुक हो जाता है। तो पानी हम इतना डालेंगे कि हमारा जो सा बीफ है वो अच्छे से डिप हो जाए, और इसे हम लोग प्रेशर लगा देंगे। अगर आपको लगे कि अभी भी गला नहीं है 15 मिनट के बाद, तो आप इसे मज़ीद भी लगा सकते हैं। मीट के ऊपर डिपेंड करता है ये कितने दिन देर में पका है। अब प्रेशर खोला था तो पानी अभी था, अच्छे से इसे कुक किया। 5 से 10 मिनट लगे थे इसे कुक करने में। अच्छे से ड्राई हो गया, ठंडा हो गया। फिर हमने टूथपिक्स ली थी, मैंने उसके अंदर उसको ऐसे लगा दिया। अच्छा, अब जिस पोजीशन में मैंने इसे भुना था उस पोजीशन में आप उसको कोयले की स्मोक भी दे सकते हैं, तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन मैंने फ्राई बनाने थे तो मैंने इसके लिए टूथपिक्स में लगाया। और इधर मैंने ब्रेड क्रम्स ली हैं, इसमें 1 खाने का चम्मच तिल डाले हैं। अंडा लिया है तो अब मैं क्या करूँगी, अंडे जो मैंने 2 लिए थे मैंने उसी के अंदर ही डाल दिए। टिक्कों के अंदर अच्छे से अंडा उसको कवर कर लेगा जो हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। तो अच्छे से हम लोग इसे लगाते जाएंगे और प्लेट में लगाते जाएंगे। सबको इसी तरीके से मैं कर लूँगी और बाद में हम इसे डीप फ्राई करेंगे। जी यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था, अब मैं डीप फ्राई कर रही हूँ इसको। इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि बोटियाँ हमारी ऑलरेडी जो हैं वो पकी हुई हैं। बस इसे अच्छा सा गोल्डन सा कलर देंगे, डिश आउट करेंगे। और इस लाजमी बच्चों को पसंद आने वाला है ये। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।